अगर मैं आप लोगों को एक ऐसा सेटअप बॉक्स दे दूं जिसमें जिंदगी भर टीवी चैनल बिल्कुल मुफ्त में चलते हैं और आप मोबाइल में रखी हुई सभी वीडियोज और फोटोज को अपने टीवी में सेटअप बॉक्स की मदद से देख सकते हैं, तो दोस्तों वाह क्या बात है, जिंदगी भर टीवी चैनल फ्री और मोबाइल की सारी चीजें भी टीवी में देखो बिल्कुल फ्री। तो दोस्तों आज आप लोगों की काफी डिमांड में लेके आया हूँ मेलबोर्न का गैलेक्सी 4 सेटअप बॉक्स। ये एक ऐसा सेटअप बॉक्स है जिसमें आप DLNA की सर्विस आपको देखने को मिल जाती है, वहीं पे सबसे सस्ता और सबसे अच्छा ये सेटअप बॉक्स है। तो दोस्तों आइए सेटअप बॉक्स को हम आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा मेलबोर्न का गैलेक्सी 4 सेटअप बॉक्स। आज इस वीडियो में इस सेटअप बॉक्स के सारे फीचर्स को बताएंगे और इस सेटअप बॉक्स को अनबॉक्स करके दिखाएंगे। बड़ा ही गजब ये सेटअप बॉक्स है और बहुत ही सस्ता भी है, साथ में ये टिकाऊ भी है, प्लस इसकी एक साल की वारंटी भी है, प्लस ये COD में भी उपलब्ध है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी भी आप इसे खरीद सकते हैं। और हमारे आप सभी सब्सक्राइबरों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है इस वीडियो में। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक इस अनबॉक्सिंग को ध्यान से देखते हैं, आपसे हम पूछेंगे इसी वीडियो में एक छोटा सा सवाल, उस सवाल का सही जवाब देने वाले लकी भाग्यशाली सब्सक्राइबरों को हम देंगे बिल्कुल मुफ्त में गैलेक्सी मेलबोर्न गैलेक्सी 4 का सेटअप बॉक्स। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मेलबोर्न का HD MPEG 4, मेलबोर्न के इस सेटअप बॉक्स में आप देख सकते हैं मेलबोर्न का जो ब्रांड लोगो है आपको देखने को मिल जाता है, मेलबोर्न HD MPEG 4 डिजिटल सेटअप बॉक्स। वहीं पे आपको फुल HD भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, वाईफाई, यूट्यूब और फ्री टू एयर यहाँ पे लिखा हुआ है। बात करें दोस्तों इस सेटअप बॉक्स के मॉडल की, और दोस्तों यहाँ पे इसका रिमोट देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होगा। गैलेक्सी 4 जो मॉडल है मेलबोर्न का, कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस होने वाला है। वहीं पे HDMI, USB 2.0, DDFED इसका लोगो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, फुल HD, H.264, MPEG 4, C एंड KU बैंड दोनों पे ये काम करेगा, 5000 चैनल्स की कैपेसिटी है, पेरेंट्स लॉक मीन्स मतलब दोस्तों कि आप अगर बच्चों से कोई चैनल छुपाना चाहते हैं तो उसे लॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके फीचर्स की। इसके फीचर्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरी डिटेल यहाँ पे इसके फीचर्स, तो आप इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बात करें हम MPEG 4 फुल HD सेटअप बॉक्स मेलबोर्न गैलेक्सी का, कुछ इस प्रकार का आपका इसका जो डिश है, डिश का लोगो आपको दिया गया है। प्लस दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो इसकी कंपनी की डिश आती है कुछ इस प्रकार की आती है। अब दोस्तों मैं इसे खोल रहा हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर आपको वाईफाई डोंगल आपको देखने को मिल जाता है इस सेटअप बॉक्स में। तो वाईफाई डोंगल को भी दोस्तों यहाँ पे साइड में रखते हैं, और उसके बाद से ये रिमोट है जो कि मेलबोर्न की पॉलीथीन में रखी हुई है, इसे भी साइड में रखते हैं। HDMI केबल जो है दोस्तों ये भी आप लोग देख सकते हैं, इसे भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। बात करें दोस्तों इसकी पैकिंग की, इसकी पैकिंग दोस्तों मुझे बहुत ही अच्छी लगी, और इसकी पैकिंग इतनी अच्छी है कि आप इसको कहीं भी भेज सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, और इस बॉक्स में खरोच तक नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि हमारे पास ये सेटअप बॉक्स कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। आगे हम बताएंगे कि ये सेटअप बॉक्स कैश ऑन डिलीवरी आपको कैसे मिलेगा। तो दोस्तों अभी इसमें और भी सामान है, इसे हम ओपन करते हैं। ये यहाँ पे निकल चुका है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑडियो वीडियो केबल भी यहाँ पे एक निकली हुई है। तो दोस्तों ये ऑडियो वीडियो केबल भी बहुत ही बढ़िया होने वाली है। अब दोस्तों इसको हम साइड में रखते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये है रहा सेटअप बॉक्स और ये सारे कंटेंट है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 5 कंटेंट इस बॉक्स में निकले हुए हैं। तो दोस्तों हम बॉक्स को यहाँ से ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों देखिए आप लोग किसी से भी सेटअप बॉक्स लीजिए, लेकिन पहले पैसे मत दीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे क्या है बहुत ही काला बाजारी है। बाकी हम अपने इस मेलबोर्न की सेटअप बॉक्स के बारे में आप लोगों को बता दें, मेलबोर्न का सेटअप बॉक्स दोस्तों कुछ इस प्रकार का आता है। ये प्लास्टिक बॉडी है, और दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग है ये, और ये दोस्तों आप लोग आगे का लुक इसका देख सकते हैं। आगे मैं ये पन्नी हटा रहा हूँ, इस पन्नी को दोस्तों यहाँ से बड़ी तगड़ी ये पन्नी चिपकाई गई है, ये दोस्तों ये आप लोग देख सकते हैं, इस पन्नी को मैंने हटा दिया है।
अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्प्ले है प्लस ये बटन्स हैं दोस्तों। ये बटन्स में आपको देख सकते हैं आप लोग, पावर का बटन है, वॉल्यूम का बटन है और उसके बाद से यहाँ पे ओके और मेनू सब बटन्स आपको, या बीच में ये पावर का बटन आपको दे दिया गया है। तो ये बॉक्स के आगे इतने बटन्स काफ़ी होते हैं। वहीं पे आप यहाँ पे एक यूएसबी का पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, मेलबोर्न की ब्रांडिंग मिल जाएगी, फुल HD MPEG-4 लिखा हुआ DBB आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये तो रहा आगे का, बाकी दोस्तों साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सील लगी हुई है जो कि वारंटी सील है दोस्तों, और इसी की वजह से आपको वारंटी मिलेगी। बाकी आप यहाँ इसके बैक साइड में देख लें, यहाँ पे आपको एक हॉलमार्क मिलेगा जो कि दोस्तों ये ओरिजिनलिटी की पहचान है, ओरिजिनल बॉक्स की ये पहचान है दोस्तों। वहीं पे आपको एक LNB इन का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, उसके बाद से USB का और HDMI ऑडियो वीडियो और SPDIF और पावर का स्विच मिल जाएगा। और दोस्तों इसकी केबल की बात करें, इसमें एडाप्टर नहीं लगता है, बस प्लस पॉइंट यही है इसमें एडाप्टर नहीं लगता है और इसके अंदर ही सप्लाई दी गई है और इसी सप्लाई के जरिए दोस्तों ये अच्छी तरीके से काम करता है। अब दोस्तों इसके साथ मिलने वाले टूल्स की बात करें तो सबसे पहले आपको ये रिमोट देखने को मिल जाता है। रिमोट की भी क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी है और डबल पैकिंग में ये रिमोट इनकी आ रही है। और उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं ये रिमोट है, फर्स्ट क्लास रिमोट दोस्तों आपको ये देखने को मिलता है। नीचे आपको ये मेलबोर्न की ब्रांडिंग गैलेक्सी 4 लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। काफ़ी अच्छा रिमोट, आपको टिकाऊ रिमोट ये देखने को मिल जाता है। तो रिमोट को हम यहाँ पे साइड में रखते हैं बॉक्स के ऊपर दोस्तों। और उसके बाद से दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं, एक यहाँ पे आपको वाईफाई डोंगल लंबी डॉटी वाला मिल जाता है, काफ़ी अच्छा ये वाईफाई डोंगल है दोस्तों। वाईफाई डोंगल को भी यहाँ पे साइड में रखते हैं। वाईफाई डोंगल से दोस्तों आप DLNA यानी कि मोबाइल यूट्यूब देख सकते हो, प्लस आप अपने मोबाइल की चीज़ों को TV में कनेक्ट कर सकते हो इसके ज़रिए। वहीं पे ऑडियो वीडियो केबल की क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया आपको ऑडियो वीडियो केबल की क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये अच्छी चीज़ ये भी है, अगर आपके पास डब्बा TV है तो आप उसमें भी इसे चला सकते हैं, उसके लिए ये बेस्ट है। वहीं पे अगर आपके पास LED TV है तो दोस्तों आप LED TV के लिए ये HDMI केबल यूज कर सकते हैं। बाकी कुल मिला जुला के दोस्तों ये सेटअप बॉक्स जिस रेट में है बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों Bijon का सेटअप बॉक्स आया था, ठीक उसी प्रकार का ये सेटअप बॉक्स है। बाकी सारे के सारे सेटअप बॉक्स दोस्तों इसके आगे फेल हैं। दोस्तों हम इसको पावर लगा के आप लोगों को दिखाएंगे। अब दोस्तों इसमें मैंने पावर लगा दिया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की इसकी डिस्प्ले होगी। और उसके बाद से दोस्तों अब हम आप लोगों को अपनी TV में इसे चला के दिखाएंगे। दोस्तों हमारा सेटअप बॉक्स ऑन हो चुका है, मेलबोर्न का ब्रांड लोगो आ चुका है और ओरिजिनल सेटअप बॉक्स की यही पहचान होती है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास ये TV चैनल फर्स्ट क्लास चल रहा है। दोस्तों इसका मेनू इंटरफेस आपको चैनल इंटरफेस जो कैटेगरी है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर शो करती है। तो दोस्तों अब आगे दिखाते हैं हम आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों इसके मेनू पे आप लोग गौर करें, मेनू आपको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आपको एंटीना सेटिंग में यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नल स्ट्रेंथ क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बात करें इसमें मोटर सेटिंग है, सैटेलाइट लिस्ट है, TPE लिस्ट है। वहीं भी दोस्तों बात करें यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग में आप लोग देख सकते हैं वाईफाई हमारा कनेक्टेड है जो कि दोस्तों DLNA जो सर्विस है जिसको मोबाइल की सारी वीडियोस को देखा जा सकता है जिस तरीके से, उसकी भी अपडेट मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो दोस्तों हमारा यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट है। और उसके बाद से दोस्तों होता यह है किसी किसी सेटअप बॉक्स को ऑन करो, ऑन करने के बाद वाईफाई कनेक्ट करने जाना होता है इस सेटिंग में, लेकिन यहाँ पर ऑटो आप लोगों ने पहले ही देखा कनेक्टेड है। बात करें दोस्तों इसके सिस्टम इन्फॉर्मेशन में, सिस्टम इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं वेरी गुड सिस्टम इन्फॉर्मेशन है। मेलबोर्न का जो प्रोडक्ट नेम है मेलबोर्न है, यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है। फैक्ट्री रीसेट आपको नहीं करना है, ना सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है। यूट्यूब की बात करें दोस्तों यहाँ पर वन क्लिक में यूट्यूब भी चालू हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब, ये देखिए यूट्यूब आपका यहाँ पर मेरा चालू हो गया था। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यूट्यूब मेरा चालू हो गया है। BBQ Vines की ये वीडियो आप लोग यहाँ पे वन क्लिक में
क्लिक कर सकते हो कोई सी भी वीडियो वन क्लिक में, या पिक्चर क्वालिटी आप लोग देख ही रहे हो। यहाँ पे तमाम सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोग सेलेक्ट करके देख सकते हो। बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारी फिल्में हैं जो कि दोस्तों यूट्यूब पे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब दोस्तों बैक आते हैं DLNA रेंडर है, यही वो सर्विस है जिसके थ्रू दोस्तों आप अपने मोबाइल से कनेक्ट करके मोबाइल में की सारी वीडियोज़ को आप TV में देख सकते हैं। बात करते हैं स्नैक, और यहाँ पे गेम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वहीं पे आप अपनी पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड लगाते हैं तो इसमें आपको पूरी वीडियो और पूरी पिक्चर आप कुछ इस प्रकार से इसमें जाके देख सकते हैं। तो अभी तो हमारे पास लगी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा इसका जो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चैनल्स की लिस्ट कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने को मिलती है ब्लू कलर में। अब ब्लू कलर काफ़ी अच्छा कलर होता है, काफ़ी बेहतर कलर होता है। इन्फो की बात करें, इन्फो कुछ इस प्रकार से आपको इसमें देखने को मिलता है। चैनल्स बदल के देख लेते हैं, चैनल्स बदलते हैं दोस्तों, चैनल्स भी आपको यहाँ पे बदले जा सकते हैं। सारे के सारे चैनल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकायदा अच्छी तरीके से। जो चैनल्स आप यहाँ पे देखना चाहें वो सारे के सारे वन क्लिक में फ्री टू एयर चलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम आप लोगों को स्कैनिंग करके भी दिखा दें। स्कैनिंग करने के लिए दोस्तों आपको देखिए, अगर कोई दूसरी सैटेलाइट अगर आपको सेट करनी है या स्कैन करना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ ये दूसरी सैटेलाइट है। यहाँ पे पोर्ट 1 पे मैं कर रहा हूँ और यहाँ पर आपको सैटेलाइट भी बदलनी होगी। यहाँ पर जो मैंने किया था इसको मैं 2 में रहने देता हूँ, और उसके बाद से यहाँ से आप देख सकते हैं ये हॉटबर्ड मेरे पास सैटेलाइट है, और इसको LNB1 में सेलेक्ट करने के बाद और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ और यहाँ पे FTA करता हूँ क्योंकि मुझे FTA चैनल पसंद है और FTA चैनल मैं देखना पसंद करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 2% हो चुका है और हमारे पास स्कैनिंग कंप्लीट हो रही है। आप लोग इसका इंटरफेस देख सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन इसका इंटरफेस है, काफ़ी लुक लाइक आपको ये सेटअप बॉक्स देखने को मिलता है और आँखों में चुभता भी नहीं है ये जो कलर इसका है। वहीं पर बात करें दोस्तों जो ये सेटअप बॉक्स है आपको कैसे मिलेगा, दोस्तों कैश ऑन डिलीवरी वही सेटअप बॉक्स मिलता है जिसमें दोस्तों पूरी गारंटी हो, पूरी वारंटी हो, और पहले पेमेंट दे के अगर आप कोई भी सेटअप बॉक्स खरीदते हैं तो वो सेटअप बॉक्स लोकल हो सकता है। आपने पहले पेमेंट दे दिया, अब वो पैसा आपको मिले या ना मिले, है ना, तो ये सोचने वाली बात है। और कैश ऑन डिलीवरी जो होता है वो इसलिए होता है कि चलो ये तो मजबूत चीज़ है, हम तो ओरिजिनल दे रहे हैं, ठीक है, प्लस 15 दिन की मनी बैक की गारंटी भी होती है। तो आप चाहे तो कैश ऑन डिलीवरी इस सेटअप बॉक्स को ख़रीद सकते हैं और पैसे पहले भी देके आप हमसे ख़रीद सकते हैं क्योंकि ट्रस्टेड यूट्यूब चैनल साहिल फ्रीडिस हैं। बात करें दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जब आप स्कैन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से स्कैनिंग होगा। DD फ्रीडिस तो पहले से ही स्कैन था हमारे इस सेटअप बॉक्स में, अभी जो मैं स्कैन कर रहा हूँ ये एक दूसरी सैटेलाइट है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सैटेलाइट की भी इन्फॉर्मेशन आप लोग लेते रहिए, ले लीजिए ताकि आप लोगों को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे जो सैटेलाइटें हैं, यहाँ पे आपको स्टार वाले जो चैनल्स हैं, GTV वाले जो चैनल्स हैं, उनके सारे के सारे शो, फिल्में, स्टार गोल्ड की फिल्में, सारी सारी आपको यहाँ पर फ्री में देखने को मिलती है। हालाँकि ये हमारा मैटर नहीं है यहाँ पर बताने का, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को अपनी तरफ से इस चीज़ को बता रहा हूँ। देख सकते हैं आप लोग हमारे पास कम से कम नहीं कुछ तो 1000 से ज़्यादा सेटअप बॉक्स कैश ऑन डिलीवरी जा चुके हैं। मेलबोर्न का बहुत ही कम स्टॉक है हमारे पास, जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी आप मुझे ऑर्डर करें और जितना ऑर्डर करेंगे उतनी जल्दी आपको पहुंचेगा। वहीं पे आप लोग देख सकते हैं जो ये मेलबोर्न का सेटअप बॉक्स है, ये बेस्ट क्वालिटी ओरिजिनल कंपनी की पहचान है, ओरिजिनल कंपनी का ये सेटअप बॉक्स है। यहाँ पे आपको कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज़ आपको करने नहीं होगी इस बॉक्स में। हाँ, सॉफ्टवेयर करके कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर करने की हिदायत मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं बताऊँगा कि आप सॉफ्टवेयर इसमें करें। अगर सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपका सेटअप बॉक्स डेड भी हो सकता है, और कंपनी इस कंडीशन में सेटअप बॉक्स की ना कोई वारंटी लेती है ना कोई गारंटी लेती है, क्योंकि किसी भी सेटअप बॉक्स को इनलीगल तरीके से आप उसको सेट करते हैं तो वो गलत होता है, कंपनी इसकी वारंटी गारंटी नहीं लेती है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास कुछ चैनल स्कैन हो चुके हैं और मैं अभी एक नंबर पर लगा के मैं बैक जाता हूँ, और बैक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देख सकते हैं बहुत सारी फिल्में वाले चैनल हमारे पास चल रहे हैं। ये देखिए कार्टून का चैनल है, कार्टून का चैनल आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं पे दोस्तों आप यहाँ पे MBC देख सकते हैं, MBC एक्शन देख सकते हैं, MBC 2 देख सकते हैं। तो ये दूसरी सैटेलाइट पे है, आप इसे सेट करके आराम से देख सकते हैं। ये देखिए रिबॉन नाम की फिल्म आ रही है यहाँ पे।
आप दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं MBC ड्रामा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी फिल्में, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी की बात करें, पिक्चर क्वालिटी भी आप लोग देख सकते हैं, फुल HD 4K पिक्चर क्वालिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है दोस्तों यहाँ पे और इस सेटअप बॉक्स के लिए। और बाकी बाकायदा दोस्तों ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बहुत सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे, ये देखिए HD वाले चैनल्स हैं, यहाँ पे HD वाले चैनलों को ओके करते हैं, ये देखिए HD वाला चैनल, ये देखिए आप लोग इसकी जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है कितनी ज़बरदस्त आ रही है। वहीं पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये भी HD चैनल है, तो यानी कहने का मतलब जो HD वाले चैनल हैं वो भी आपको इस बॉक्स में बहुत ही क्लियर क्वालिटी के साथ देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास बड़ी से बड़ी, चाहे जितनी बड़ी भी TV है, आप उसमें अगर इस सेटअप बॉक्स को लगा लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो फटेगी नहीं और अच्छी की अच्छी पिक्चर क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास चैनल चल रहा है और देख सकते हैं पिक्चर क्वालिटी कितनी दमदार आ रही है। बाकी दोस्तों आगे अब हम आपको सिखाते हैं अपनी TV में कि DLN ने इसमें कैसे सेट किया जाता है, TV में कैसे मोबाइल की वीडियो देखा जाता है। अब आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि हमारे पास एक मोबाइल एप्लीकेशन भी ओपन हो चुकी है, प्लस हमारे TV में लिखा है वेटिंग फॉर कनेक्शन, टू यूज़ द ऐप प्लीज रीड ऑपरेटिंग मैनुअल फॉर विजिट इतना इतना। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, मैं इस एप्लीकेशन का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लकी HTB रेंडर DLN ने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम इसे ओके करते हैं। ओके ही करते ही दोस्तों ये लिखा आ गया कि HTV इज रेडी, तो ये रेडी हो चुका है और मैं यहाँ पे कुछ भी प्ले करके देखता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं ये मैंने ये प्ले किया और ये हमारे मोबाइल में नहीं चलेगा, मैं मोबाइल को ऑफ भी कर दूंगा, यानी कि मैं इसे बंद भी कर दूंगा तो भी ये चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बेहतरीन है ये। अब दूसरी मैं वीडियो में आप लोगों को चला के दिखा रहा हूँ, ये देखिए डिसेबल फॉर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन ये आ गया, तो इसको हम ओके करते हैं और उसके बाद से अब हम दूसरा कुछ यहाँ पे चला के आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि आप लोग चला सकते हो अपने TV में। यहाँ पे ये चीज़ चला के देख लेते हैं, ये भी चीज़ चलेगा, उसके बाद से आप कुछ भी चला सकते हैं यहाँ पे, कोई भी वीडियो चला सकते हैं, TikTok की वीडियो चला सकते हैं या कोई भी वीडियो आप चला सकते हैं बेहतरीन तरीके से। तो दोस्तों ये बढ़िया है और बढ़िया चीज़ है। आप इस सेटअप बॉक्स को अब ख़रीदेंगे कैसे, ख़रीदने के लिए दोस्तों इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, प्लस आप हमें WhatsApp पे भी इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों WhatsApp पे संपर्क करने के बाद आप अपना ऑर्डर खुद ब खुद कैश ऑन डिलीवरी का कर सकते हो या पेमेंट पहले दे के भी आप इस सेटअप बॉक्स को मंगा सकते हो। दोस्तों बताइएगा आपको हमारा ये सेटअप बॉक्स कैसा लगा। बाकी मैं मिलता हूँ किसी और नए वीडियो में।